कर रही है, मम्मी छोड़िए ना। चलो अभी भाभी भाभी तुम ऐसे नहीं ठुको। अभी भाभी नहीं, प्लीज चलो। दरवाजा खोलिए ना। मैं डैड ना, कम ऑन डैड, ये ठीक नहीं है डैड। वो हमारे घर की बहू, ऐसे कैसे लॉक करके रख सकते हैं हम? ये सही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है डैड। क्या सही क्या गलत है ये तू हमें समझाएगा? वो लड़की अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी हमारी मर्जी के बगैर, समझे? ऐसी क्या गलती कर दी उन्होंने जो ऐसे लॉक करके रखेंगे उन्हें? गलती? इस घर की बहू बनने के बजाय वो इस घर की सबसे बड़ी जासूस बन रही है, ये उसकी गलती है। पापा जी और राजेश उसके पग फेरे के लिए परेशान थे, उनके छुप छुप के बातें सुनना, इस घर के राज को जानना, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। दादी प्लीज आप बात करो ना पापा से, ये ऐसे कैसे कर सकते? अगर उन्हें अपनी फैमिली से मिलने जाना है उसमें गलत क्या है? प्लीज आप पापा बात करो, आप ये ठीक नहीं है दादी, प्लीज। इस दरवाजा खोली ना, ऐसे मत करिए हमारे साथ प्लीज। प्लीज हमें घर जाना है, हमें पापा के पास जाना है प्लीज। शिखर सही कह रहा है राम, जानकी हमारे परिवार की बहू है, कोई अपराधी नहीं जो हम उसे सजा दें। उस मासूम को इतना मत सता बेटा, उसे कैद मत कर। सुनिए अम्मा जी, ठीक कह रही है, खोल दीजिए ना दरवाजा। बकवास बंद करो अपनी, हम अच्छी तरह से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, सो प्लीज डोंट इंटरफेयर। तो कुछ भी कह रहा हूं लेकिन हम जानकी को अंदर नहीं रहने देंगे, हम जा रहे हैं दरवाजा खोलने। रुक जाओ मां। सब चाहते हो हम दरवाजा खोल दें, ठीक है हम खोल देते हैं दरवाजा। दरवाजा खोलने के बाद अंजाम क्या होगा ये सब जान लो। दरवाजा खुलेगा तो जानकी बाहर निकलकर सबको हर्ष के बारे में बता देगी, सबको पता चल जाएगा कि ये हर्ष पागल है, और फिर सारा मीडिया गिद्धों की तरह हमारी इज्जत को नोच खाएगा, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। क्या यही चाहते हैं आप लोग? शिखर, क्या तुम यही चाहते हो? बेटे ये दुनिया ऐसी ही है, अगर हमने अपने आप को नहीं बचाया तो दूसरे आकर हमें खा जाएंगे। और माँ तुम चाहती हो ना कि हर्ष ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। अगर जानकी इस घर से बाहर गई ना तो हर्ष कभी ठीक नहीं होगा। और हर्ष क्या, हमारा बिजनेस जो हमारे पापा ने और आपके पोते हर्ष ने इतने प्यार से बनाया, इस मकाम तक पहुंचाया है, वो भी कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो जाएगा। हम सब सड़क पर आ जाएंगे, हर्ष के ठीक होने की उम्मीद तक नहीं रहेगी। यही चाहते हो तुम लोग? तुम चाहते हो कि हम दरवाजा खोल दें और हर्ष की और हमारे परिवार की इज्जत बर्बाद हो जाए? वंदना, खोल दो दरवाजा, खोल दो। कैसे हो जीजू? आइए। निशा खुश रहिए जी। हाँ जी, देखो बेटा आ जाओ, बैठो। अच्छा वो आप आ गए, हम तो सोच रहे थे कि पता नहीं कब आएंगे, बहुत चिंता हो रहा था कि निशा के पग फेरे का पूरा दिन बीत गया और आप उसको लेने नहीं आए। क्यों, एक ही दिन में परेशान हो गए निशा से? माँ रिश्वत की तरफ बेकार नहीं बैठे, अपने डिपार्टमेंट के हेड है और दसों काम होते हैं उनको, इसलिए लेट हो गए, है ना कृषु? हाँ ये सब हर चीजों की वजह से तो है, ये डिपार्टमेंट हेड बॉस गिरी। क्यों निशा? नितिन चुप रहो। मम्मा मजाक कर रहे। वैसे जानकी दीदी कैसी है, सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ बिल्कुल ठीक है,
कल आ रही है वो फेरे की रस्म के लिए। वो भी मतलब हर्ष भी ना पापा? नहीं वो शादी में दिखे नहीं ना ज्यादा, हमें लगा पग फेरे के लिए भी आएंगे कि नहीं, कहीं पता चले। वो भी लैपटॉप पे कह दिया कि चलो जानकी हो गया पग फेरा, चले कृषु लेट हो रहा है। निशा बात सुन, हम सोच रहे थे हम आज यही रुक जाते हैं, कल हर चीजों से मिलकर ही जाएंगे वापस। नहीं निशा, हमें ना एसी में सोने की आदत हो गई है, तो समझती है, चले चल चल हाँ। पापा ये लोग तो हमारी सुनेंगे नहीं, शायद आप समझ जाएं। हम श्योर हैं पापा कि जान की दी का पग फेरे की रसम ना नहीं होने वाली। शासिस बहुत चालू है पापा, शादी से लेकर अभी तक दीदी ने एक बार भी आप लोगों से फोन पर भी बात नहीं की है, और जो फोन पर नहीं आ सकती पग फेरे के लिए क्या खा पाएंगे? बाकी देखते हैं कल कौन सा दूर है ना पापा, चले दादू। हाँ बेटा। दादू मेरी गुड़िया को क्यों इन्होंने लॉक किया? करना पड़ता है बेटा, कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ काम करने पड़ते हैं ऐसे। अब अगर वो चली जाती तो तुझे दुख होता ना, कितना बुरा लगता तुझे, इसीलिए उसे बंद किया। पर तू देखना वो जल्दी तुझसे मिलेगी। दादू उसको तो चोट लग गई थी ना, उसको डर भी लग रहा होगा ना दादू। नहीं बेटा, तेरी गुड़िया बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ सह लेती है, और वो कमरा खोल के बाहर भी आ जाएगी। चल सो जा अब। दादू कहानी सुना दो। प्लीज मेरे भाई, प्लीज मेरे अच्छे भाई, मेरे दुनिया के सबसे अच्छे भाई, दरवाजा खोलो प्लीज। एक आइडिया मेरे पास, देखो देखो अगर आप दरवाजा खोलोगे ना मैं आपको कल वीडियो गेम ला के दूंगा, और चार चार न्यू डिफरेंट कलर्स के स्लाइम्स भी ला के दूंगा। वीडियो गेम दे मुझे आज दे, क्योंकि मैं कल तो देगा नहीं, तू झूठा है। मैं देखो स्लाइम की तरह चल के, देखो स्लाइम की तरह ये नहीं ऐसे करके, देखो मैं बाहर आऊंगा मैं भी करूंगा ये रोल 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 मैं भी करूंगा, पर ये करते करते जाने मत। हर्ष भाई मत जाओ, बोलो ना प्लीज, वापिस आओगे ना, वापिस आ रहे हो ना, आ जाओ ना प्लीज। ओए रोहित 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 दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। ये हर्ष भैया ने लॉक किया है? नहीं यार उनकी शैतानी। चाबी दे। चाबी मुझे क्या पता, चाबी फेंक दी होगी ना उन्होंने, खोल ना। रुक जा। वेरी गुड। थैंक यू दादू। मैं बिल्कुल नहीं, ये मेरे बेटे की शादी थी, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इमीडिएट पेमेंट की बात थी, 30 दिन हो चुके हैं। हाँ ठीक है, प्लीज गॉड प्लीज हेल्प मी, पापा ना देखे मुझे। सुनिए अंदर आ जाइए। आ रहा हूं। ऐसी जिंदगी हम कैसे जिएंगे भगवान, क्या हम कभी भी इस बंद कमरे से बाहर निकल पाएंगे? क्या कोई भी रास्ता होगा यहां से बाहर निकलने का? प्लीज प्लीज हमारी मदद करो भगवान।
कौन? क्यों है? हमने बोला ना चाहिए यहाँ से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे बात करनी है तुमको। प्लीज जस्ट गो। ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। बुढ़िया, अगर तुम मेरे साथ ये गेम खेलोगी और जीत जाओगी तो मैं तुमको ये खोल दूंगा। मैं आप सच में लॉक खोलेंगे? मैं खोल दूंगा। प्रेम बन टूटे ना जन्म जन्म गुड़िया जीत जाएगी। जाएंगे वो, मैंने जान के नहीं किया। तुम एक बार मुझे चाहिए। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाऊं। क्या जरूरत है दरवाजा खोलने की? जाने दीजिए ना, रहने दीजिए कुछ दिन और, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मम्मी जी मैं आपको बोल रही हूँ, वो लड़की बहुत चालाक है। आप ये जो उस पे दया करके दरवाजा खोल रही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि वो दरवाजा खोले, आपको धक्का मारे और भाग जाए। वंदना, उल्टी सीधी बातें मत करो, समझी? वो ऐसी नहीं है। वैसे भी हम लोग उसे ज्यादा देर बंद नहीं रख सकते, उसको इतनी सजा काफी है। इतने में ही वो समझ जाएगी कि हम लोगों से इजाजत लिए बिना कहीं नहीं जाना है, दोबारा कोई गलती नहीं करनी है।
और मम्मी जी आप मेरी बात तो सुनिए, जानकी 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 मम्मी जी, जानकी भाग गई। मम्मी जी मैंने आपको कहा था ना कि वो इनोसेंट नहीं है, बहुत चालाक लड़की है, देखिए भाग गई। अब क्या होगा, पापा जी को क्या बताएंगे? क्या हुआ वंदना, इतनी चिल्ला क्यों रही हो तुम? हाँ हुआ क्या है? जानकी कहाँ है? जानकी कहाँ है? पापा जी वो जानकी भाग गई। क्या? हम मगर इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारा तो दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था। पता नहीं कैसे भाग गई, हमारे खानदान की तो धज्जियां उड़ा देगी, वो बर्बाद कर देगी। पापा जी कुछ तो कीजिए। अरे कुछ नहीं कर पाएगी, वो जो गलती हमने उसे कमरे में बंद करके की है उससे बड़ी गलती उसने यहाँ से भाग कर की है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। किसने जान के अगर दरवाजा खोला? घर में से ऐसा कौन कर सकता है? जानकी भाभी भाग गई। शायद वो कर सकता है जिसे जानकी के लिए हमदर्दी हो, या फिर हर्ष बेटे अंदर आओ। बेटे जानकी का दरवाजा किसने खोला? मालूम नहीं मुझे, मुझे कैसे मालूम होगा? हर्ष, हर्ष बेटे अगर झूठ बोला तो भगवान तुम्हें पनिश करेंगे। पनिश करते हैं? हाँ, पनिशमेंट चाहते हो तुम? नो। तो बता दो ना, जानकी का दरवाजा किसने खोला? मैंने खोला सर। कैसे खोला दरवाजा? ऐसे किया और ऐसे क्यों खोलिया? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? अभी है तुमने कि क्या किया तुमने? हाँ, अंदाजा भी है तुम्हें? पापा इसे छोड़ो, चल के उस जानकी को रोकते हैं। बाहर निकल के कहीं किसको कुछ बता दिया तो सारा खेल खराब हो जाएगा, सारी पोल खुल जाएगी। पहले जानकी को रोकते हैं, मैं देखता हूँ कहाँ है। भैया आपने तो कहा था दरभंगा की बस सुबह तक आ जाएगी, फिर आई क्यों नहीं अभी तक? रोकिया ना मैडम, रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है, पूरा रोड बंद है, इसी वजह से बस को आने में टाइम लग रहा है। हम आपके फोन से एक फोन कर ले, क्या बहुत अर्जेंट है? प्लीज। हाँ कर लीजिए। क्या कर रहे हो? दामाद जी आने वाले हैं, उनके आने से पहले पूरा तैयारी करना है, सब ठीक करना है, जल्दी ठीक करो। अरे बुलाते हैं पापा को। ए निशा के पापा, देखिए बात नहीं सुन रहा हमारी। वो जाके कपड़े देख लो जो निकाल। हाँ, देखते हैं। तेरे कृष्ण के लिए तो इतनी तैयारी निकिति माने। लॉल नितिन, वो अलसी क्या मैसेजिंग में कर रहा है, फोन बज रहा है। अरे पापा, पापा हम जानकी बोल रहे हैं। पापा आप सही कह रहे थे, हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए, हम फंस गए, बुरे तरीके से फंस गए। इन लोगों ने हमें कैदी बना के रखा है, पापा आप हमें बचा लीजिए। पापा हेलो हेलो, देखिए ना जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो पापा, हमें आपकी आवाज आ रही है पापा? हेलो जरा गौर से देखना, लड़की को देखा? हेलो हेलो, कट गया बेटा। ये कॉलर आईडी पे चेक करते हैं, पता लग जाएगा किसका था। रिंग तो जा रही है। हेलो। हाँ हेलो जी, आपके नंबर से अभी फोन आया था, आपने कॉल किया था? अरे ये हमारा फोन है, आपको फोन करने वाला जा चुका है। लेकिन आप बोल कहाँ से रहे हैं? फोन किसने किया था? अरे कोई लड़की थी। लड़की? हाँ। हेलो
पापा लगता है लाइन बहुत ही खराब है। काहे परेशान हो रहे हैं आप लोग, जिसको फोन करना होगा दोबारा कर लेगा। चलिए पग फेरा का तैयारी करते हैं। जानकी और दामाद जी शादी के बाद पग फेरा के लिए आ रहे हैं, सब कुछ तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। चलिए 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 तैयारी करते हैं। और हम तो गरम गरम समोसा बना ही रहे, तो हाथ टूट गया ना, तो सब ठीक से कर नहीं पा रहे। जानकी शास्त्री, सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।